नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत आलूवालिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया यानी कि मेल बूब्स के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, ये एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है बहुत सारे मेल्स के बारे में, और क्योंकि वो खुलकर बात नहीं कर पाते इसलिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह जाती हैं उनके माइंड में, और इस वीडियो में हम उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो गायनेकोमेस्टिया सबसे पहले ये होता क्यों है, इसके होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे मेल्स में ड्यूरिंग बर्थ ही ये देखा जाता है, यानी कि जब बच्चा मेल बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारे बच्चों में ये मेल बूब्स बड़े देखे जाते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोनल इफ़ेक्ट है और धीरे धीरे जैसे उनकी एज बढ़ती है बहुत सारे बच्चों में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। सेकेंड टाइम लाइफ में जब ये मेल्स में देखा जाता है वो है प्यूबर्टी का टाइम। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बहुत सारे हार्मोन्स बॉडी में चेंज होने की वजह से कुछ बच्चों के ब्रेस्ट के साइज़ बढ़ जाते हैं। ये दोनों तरफ इक्वल हो सकता है, यानी लेफ्ट राइट साइड में दोनों तरफ एक जैसी ग्रोथ भी हो सकती है, और कुछ केसेस में ये अनइक्वल भी होता है, यानी एक साइड में ये ज़्यादा या एक साइड में कम हो सकता है। कुछ बच्चों में इसमें कोई पेन नहीं रहता और कुछ बच्चे इन एनलार्ज्ड ब्रेस्ट टिश्यू में पेन भी फील कर सकते हैं। ये पेन अपने आप स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है और कुछ केसेस में ये टच करने में या कपड़ा टच होने में ये पेन फील होती है। इसके बाद एल्डरली पेशेंट्स में भी देखा जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है कुछ पेशेंट्स में बिना किसी कारण भी ये ब्रेस्ट टिश्यूज एनलार्ज हो जाते हैं और अंडरलाइंग कोई भी कंडीशन नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारी अंडरलाइंग कंडीशंस हैं जिनमें उन कंडीशंस की वजह से ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, जैसे कि लीवर का फेलियर होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, कोई नशा जैसे अल्कोहल यानी शराब बहुत ज़्यादा पीना, कोई और नशे के एडिक्शन होना, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनकी वजह से भी ये हो सकता है। और इन सभी कंडीशंस का आप ध्यान रखिए कि ऐसे कोई अंडरलाइंग कंडीशन ना हो जिसकी वजह से ये गायनेकोमेस्टिया आप में या आपके पेशेंट में देखा जा रहा हो। कुछ लड़के जो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं, इन केसेस में भी कुछ स्टीरॉयड्स की वजह से भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, और इसके अलावा कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स के यूज़ से भी गायनेकोमेस्टिया देखा गया है। सो आप ध्यान रखिए कि आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। इसके बाद क्या करना चाहिए, आप एक डॉक्टर को विज़िट कीजिए, वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि किसी को लगता है कि उनके वाकई गायनेकोमेस्टिया है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। डॉक्टर्स देखकर आपको बताएंगे कि जो आपकी कंडीशन है वो वाकई उसमें कुछ करने की ज़रूरत है या उसका अंडरलाइंग कोई कॉज है या उसे हम सिंपली इग्नोर कर सकते हैं। लेट अस से साइज़ वाकई ज़्यादा है और डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि ये एक गायनेकोमेस्टिया है, तो सबसे पहले वो ढूंढेंगे कि इसकी अंडरलाइंग कोई कॉज तो नहीं है, यानी कि आपकी हिस्ट्री लेंगे कि आपकी हिस्ट्री में कोई ऐसे ड्रग या ऐसी कोई आदत तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है, और फिर उसके बाद कुछ टेस्ट कर देखेंगे कि बॉडी में अंडरलाइंग कोई कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं निकलता और ये परसिस्ट करता है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है। सो अगर तो अंडरलाइंग कोई कॉज है, यानी आप कोई चीज़ ले रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, या बॉडी में कोई कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो उस चीज़ को पहले ठीक किया जाएगा और हो सकता है कि वैसा करने से अपने आप ही रिवर्स हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता, यानी अंडरलाइंग कोई कॉज नहीं निकलता और अपने आप ये टिश्यूज़ ठीक नहीं हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फिजिकल अपेयरेंस में फ़र्क पड़ रहा है, देन आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं। इसकी सर्जरी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इज मैस्टेक्टमी, यानी कि हम ब्रेस्ट का पूरा टिश्यू को रिमूव कर देंगे एक कट लगाकर, और दूसरा है ग्लाइपोसक्शन, यानी कि हम बहुत छोटे से होल से ही ये सारा का सारा एक्सेस ब्रेस्ट टिश्यू रिमूव कर देंगे। लाइपो यानी चर्बी, सक्शन यानी किसी चीज़ को सक करना। सो लाइपोसक्शन का मतलब है कि जो ब्रेस्ट के अंदर फैट डिपॉजिट हो गया है हम उसे सक करके धीरे धीरे पूरे ब्रेस्ट को फ्लैट कर देंगे। इसके अलावा जो निप्पल के नीचे का हार्ड टिश्यू रहता है, अगर वो ज़्यादा हार्ड है तो आफ्टर लाइपोसक्शन उसको एक बहुत ही छोटे कट से निकाला जा सकता है, और अगर वो वरीसम नहीं है, सॉफ्ट है, ज़्यादा टिश्यू नहीं है, तो उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती। ये सर्जरी करने के बाद हम इस एरिया को प्रेस करके रखते हैं, पेशेंट को एक गारमेंट देते हैं ताकि चेस्ट के ऊपर प्रेशर बना रहे आने वाले लगभग 2 महीने तक, ताकि इस एरिया में कोई पानी ना भरे, इसकी हीलिंग अच्छी हो।
और ये अपने नॉर्मल शेप में अच्छे से आ जाए। जैसे जैसे टाइम जाएगा, जहाँ पर हमने लाइपोसक्शन किया है उस एरिया में फाइब्रोसिस होगा, वो थोड़ा हार्ड होगा और वो अपने नॉर्मल शेप ले लेगा। अगर आपको लगता है कि आप गायनेकोमेस्टिया से परेशान हैं, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है या आपको अपने आप में अच्छा नहीं लग रहा, बॉडी डिसफिगर्ड लगती है, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास जाइए। अगर कोई भी अंडरलाइन कॉज नहीं है और आप ये ऑपरेशन करवाते हैं, तो ये ज़्यादातर केसेस में बहुत ही सेफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी रहती है और आप एक या दो दिन में घर जा सकते हैं, अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं। थैंक यू।